Xi'an is the ancient capital of China in Tang Dynasty and also the starting point of Silk Road in China. It is famous for its tradition, culture, and also halal Muslim food. In today's vlog, we gonna explore halal Muslim street in Xi'an. Hello guys, assalamu alaikum. Hope you guys are doing great and having a very amazing, fantastic and awesome day. It's me Rashid Khan and this time I am maujood hu Xi'an ki Muslim food street ke andar. Aur ye ek bahut badi Muslim food street hai to aaj ke vlog ke andar jo hai wo hum jayenge aur ja ke jo hai wo yahan ki Muslim food street ko jo hai wo yahan par explore karenge. Dekhenge ki yahan par kis tarah ki food hame milti hai. Chinese ka itna zyada rush laga hua hai aur bande ke sath yahan pe banda milke chal raha hai. A few moments later. यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक स्वीट की शॉप है और यहाँ पर जो है ये केक टाइप पड़े हुए हैं तो सबसे पहले जो है वो इनको ट्राई करते हैं. ये इसने हमें दिया और ये चेक करते हैं ये क्या है. जो है कोई इनकी कोई स्वीट्स वगैरह है तो इसको जो है वो ट्राई करते हैं कि ये किस तरह की है. चावलों की ये बनी हुई है और उसके ऊपर जो है इन्होंने मीठा मीठा कोई स्वीट सा लगाया हुआ है तो ऊपर ऊपर से जो है वो मीठा मीठा सा और जो अंदर से है ये फीका फीका सा तो जब मुंह में जाता है तो मीठा और फीका मिक्स हो जाता है. ओवरऑल ये बहुत मज़े का है. यहाँ पर जितने ज़्यादा चाइनीज़ फिर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे चाइनीज़ मुस्लिम हैं. ये मुस्लिम फूड स्ट्रीट है. चाइनीज़ इस चीज़ का बिल्कुल नहीं देखते कि ये फूड मुस्लिम है या नहीं है. बस वो जो है ना आए बस वो जो है ना तो बस फूड चाहिए वो बस फूड को देखते हैं और फूड को वो लोग एंजॉय करते हैं. अच्छा यहाँ पर जो है वो ये बारबेक्यू की शॉप है और ये मटन के जो है वो टिक्के शिक्के यहाँ पर बना रहे हैं. ये मेरे पास इस टाइम जो है वो शियान फूड स्ट्रीट का जो है वो हैमबर्गर है जिसको हम मटन बर्गर भी बोल सकते हैं और ये गर्मा गर्म जो है वो बर्गर है तो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह है. यार ये जो बर्गर है ना ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है. इसके अंदर जो है इन्होंने चिली सॉसेज वगैरह डाली हुई हैं और उसके साथ इसके अंदर जो है वो मटन है और इसकी जो लेयर है वो बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी लेयर है. बहुत ही डिलीशियस. अपना मटन बन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया और यहाँ पर हमारे बीफ नूडल भी आ गए हैं. वो इस टाइम मैं एक जूस शॉप के ऊपर हूँ जहाँ पर जो है वो कुछ चाइनीज़ भी हैं वो जूस वगैरह ट्राई कर रहे हैं तो हमें जाने हैं जाके ना जूस वगैरह को ट्राई करते हैं. वो फ्रेश फ्रेश अनार पड़े हुए हैं तो इन अनार का जो है वो जूस यहाँ पर ट्राई करते हैं चलते चलते. शीशे जो है यहाँ से खाना वगैरह खा लिया. मटन बन जो था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म का था बहुत मज़े का था. उसके साथ जो नूडल थे वो ट्राई किए वो भी बहुत मज़े के थे. तो चाइनीज़ का इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है और ये जो है डिफरेंट चीज़ की जो है जो ट्राई वगैरह कर रहे हैं तो अभी जो है वो हम यहाँ से चलते 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 हैं और जाके देखते हैं कि और हमें यहाँ पर क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है. फ्रेश अनार का जूस निकाल के जो है वो इन्होंने हमें दे दिया तो इसके इन्होंने लिए हैं 15 युआन. है अगर आप चाइना के स्ट्रीट के अंदर घूम रहे होंगे तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो आपको आते जाते हेलो हाय करते रहेंगे. स्ट्रीट के अंदर ही जो है ये एक बहुत ही यहाँ पर प्यारी सी प्लेस है एंटरटेनमेंट कोई पॉइंट है तो चलते हैं और चल के यहाँ पर इसको देखते हैं. जो है ये बेस्ट विशेज वगैरह लिखी हुई हैं और बहुत सारे यहाँ पर जो है वो ये विशेज वगैरह लगी हुई हैं. निहाओ निहाओ नी क्या शमा मिंग ओके टाटा दीजिए. मेन स्ट्रीट के साथ जो है
यहाँ पर एक और शॉर्ट स्ट्रीट भी जा रही है, तो इस तरफ भी चलते हैं और जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर डिफरेंट शेप्स के यहाँ पर ये नान पड़े हुए हैं और इसके ऊपर इन्होंने तिल लगाए हुए हैं और सीड्स लगाए हुए हैं। स्ट्रीट के अंदर ये एक शॉप सी बनी हुई है और यहाँ पर म्यूजिक वगैरह चल रहा है और पर ये फ्लावर्स पड़े हुए हैं और ये फ्लावर से जो है ये हर्बल टी बनाते हैं। हर्बल टी है इसने हमें टेस्ट करने के लिए दिया है। और इसकी इस हर्बल टी का टेस्ट कैसा होगा? वाओ, आई लाइक इट यार। फ्लावर्स की ये हर्बल टी है, बिल्कुल जैसे फ्लावर का टेस्ट होता है इसका भी बिल्कुल टेस्ट वैसा है। ये एक नई चीज़ है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया। ये बहुत मज़े की थी इसलिए जो है वो हमने इसको बाय कर लेते हैं, इसको बाद में ट्राई करेंगे। चाइना में आके एक चीज़ तो यहाँ पर तय है कि जहाँ पर आपको फूड की चीज़ मिलती होगी वहाँ पर चाइनीज़ का ऐसा रश होगा, क्योंकि चाइनीज़ लव फूड वेरी मच। जी तो गाइज, मैंने जो है वो फोर्थ स्ट्रीट एक्सप्लोर कर लिया है, जहाँ पे फोर्थ स्ट्रीट जो है वो हमारी एंड हो जाती है और अब जो है यहाँ से हमें वापस जाना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कीप सपोर्टिंग राशिद के व्लॉग।